गाइज एसी बनाने के लिए हमें सबसे पहले कुछ पीवीसी शीट के टुकड़े कट कर लेने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे गाइज मैंने कट किए हैं, ये इसका फ्रंट है, इसके अंदर हमारे फ़ैन लगेंगे। हम यहाँ पे गाइज मैं दो इन्वर्टर एग्जस्ट फ़ैन का यूज़ करूँगा। ये आपको इन्वर्टर रिपेयरिंग शॉप पे 40 रुपये का ईजिली मिल जाएगा। एक हमें जो है इसके अंदर जो है इसको इस टाइप से अच्छे तरीके से फिक्स कर देना है। इसकी एयर जो है गाइज पीछे की तरफ होती है, इसीलिए मैं इसको इस टाइप से फिक्स कर रहा हूँ। और इसके गाइस साइड में हमें जो है अच्छे तरीके से हमारी ग्लू लगा देनी है ताकि ये हमारे फ़ैन यहाँ से निकल ना सकें। ठीक है, इस टाइप से हमें जो है हमारी यहाँ पे ग्लू लगा देनी है। यहाँ पे गाइस हमारे ग्लू लग जाने के बाद हमारा जो फ्रंट पैनल है इस टाइप का आपको नज़र आएगा। और अब हमें गाइस जो हमने शीट्स कट की हैं हमें जो है इनका एक बॉक्स बनाना है। यहाँ पे गाइस मैं आपको फटाफट से इसका बॉक्स बना कर दिखा देता हूँ। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, और गाइस जहाँ से वीडियो फास्ट करनी होती है वहाँ से मैं खुद ही कर देता हूँ, इसीलिए आप वीडियो को स्किप मत कराया करिए। और कोई भी क्वेश्चन हो आपका मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और ये है गाइस पेल्टियर मॉड्यूल, ये आपको 200 से 250 रुपए का इजी मिल जाएगा। 6 एम्पीयर का गाइस पेल्टियर मॉड्यूल है। जिस तरफ गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है ये इसका कूलिंग एरिया है, जो इस यहाँ पे कुछ नहीं लिखा वो इसका हीटिंग एरिया है। यहाँ पे गाइस मैं इसको हीट सिंक के ऊपर फिक्स करूँगा। हीट सिंक के ऊपर गाइस फिक्स करना है हमें, जो बड़ी हीट सिंक है वहाँ पर हमें जो है हॉट वाला एरिया लगाना है इसका। ठीक है, यहाँ पर हमें जो है इसको कनेक्ट करेंगे। उससे पहले गाइज हमें जो इसको यहाँ पे लगाने से पहले हमारी जो हीट कंपाउंड होती है वो लगा लेनी है अच्छे तरीके से। ये गाइज ये काम करती है हमारी हीट को जो है अच्छे तरीके से हमारी हीट सिंक में जो है ट्रांसफ़र करती है। इसके ऊपर जो छोटी हीट सिंक है वो हम कूलिंग वाले एरिया के ऊपर लगाएंगे। यहाँ पे गाइज हमारी हीट सिंक्स लग जाने के बाद हमें जो है बड़ी हीट सिंक के पीछे जो है बड़ा फ़ैन लगाना है ताकि हमारी जो गाइज हीट सिंक है वो ठंडी रह सके। जितनी ज़्यादा गाइज हमारी हीट सिंक ठंडी रहेगी हमारा एसी जो है उतनी ज़्यादा हमें ठंडी एयर देगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फ़ैन फिक्स हो चुका है। और इसके पीछे की साइड भी गाइज हमें जो है एक छोटा सा फ़ैन यहाँ पे लगाना है, मैं आपको वो भी फ़ैन दिखाता हूँ। देखिए गाइज ये फ़ैन है मेरे पास, इसकी एयर भी गाइज जो है पीछे की तरफ आती है। इसको हमें जो है इस टाइप से हमें स्क्रूज़ की हेल्प से अच्छे तरीके से फिक्स कर देना है हमारी छोटी हीट सिंक के ऊपर। यहाँ पे गाइज हमारा फ़ैन अच्छे तरीके से फिक्स हो चुका है, और अब हमें गाइज इसको हमारे बॉक्स के अंदर लगाना है। देखिए गाइज ये हमारा फ़ैन है, और अब हमें इसको बॉक्स के पीछे की साइड जो है गाइज इसे लगाना है। यहाँ पे गाइज मैं इसको इस टाइप से पहले जो है पहले ही गाइज मैंने इसके जो है पीवीसी शीट के पीस कट कर लिए हैं ताकि हमारी जो हीट सिंक है वो यहाँ पर अच्छे तरीके से फिक्स हो चुक सके। देखिए इस टाइप से, और जो हमारी गाइज बड़ी हीट सिंक है हमें जो है उसको आधा बाहर रखना है ताकि हमारी जो हीट सिंक है वो अच्छे तरीके से ठंडी हो सके। यहाँ पे गाइज मैंने इस टाइप से इसको फिक्स कर दिया है। ठीक है, और जो है गाइज हमारा यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है। और अब हमें गाइज यहाँ पे इसके कनेक्शन करने हैं। यहाँ पे गाइज इसके कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। जो गाइज हमारी देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर हमारा जो ये फ़ैन है ठीक है, इसकी वायर को पहले तो हमें इसके अंदर निकालना होगा होल करके। यहाँ पे गाइस मैं आपको होल करके जो है हमारी वायर को अंदर की तरफ निकाल कर यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे गाइस मैंने होल कर लिया है, और इस वायर को यहाँ से मैं अंदर की तरफ जो है निकाल लेता हूँ कनेक्शन करने के लिए। यहाँ पे गाइस हमारे पीछे वाले फ़ैन की भी जो वायर है वो अंदर आ चुकी है, और अब हमें गाइस इसके सारों की जो रेड ठीक है रेड और ब्लैक वायर को रेड और ब्लैक वायर के साथ कनेक्ट कर देना है। जो गाइस हमारा छोटा फ़ैन है उसमें 3 वायर्स हैं, उसमें से हमें जो है येलो वायर को छोड़ देना है और रेड को रेड के साथ कनेक्ट कर देना है और ब्लैक को ब्लैक के साथ। देखिए इस टाइप से गाइस कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, हमारे जो है रेड और ब्लैक सारे फ़ैनों की जो है वायर्स कनेक्ट हो चुकी हैं, और अब हमें एक वायर लेकर उसको भी हमारे रेड और ब्लैक वायर के साथ कनेक्ट करने के बाद उसके ऊपर हमारी पीवीसी टेप होती है जो ब्लैक वो वाली लगा देनी है, और इसको ऊपर से हमें जो है पैक कर देना है। यहाँ पे गाइज मैं इसको इस टाइप से पैक कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ग्लू गन की हेल्प से फटाफट से इसको पैक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे गाइज हमारा एसी बन के कम्प्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये इसके फ्रंट फ़ैन है और ये इसका बैक फ़ैन है। देखिए ये वाला बैक फ़ैन है। मैंने गाइज इसको जो है 12 वोल्ट की सप्लाई दे दी है 6 एम्पीयर की। ठीक है, आपको 6 एम्पेयर की तो कम से कम सप्लाई देनी है, 6 से आप दे सकते हैं 12 एम्पेयर तक की। यहाँ पे गाइज हमारे आगे वाले फ़ैन वर्क कर रहे हैं और यहाँ पे पीछे वाले फ़ैन भी हमारे वर्क कर रहे हैं।
गाइस हमारा जो पेल्टियर मॉड्यूल है वो काफ़ी जल्दी जो है ठंडा हो जाता है और हमें ठंडी ठंडी एयर देनी स्टार्ट कर देता है। अब गाइस इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा जो है ठंडी एयर आनी स्टार्ट हो चुकी है और ये काफ़ी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा दे रहा है। मैं आपको इसकी एयर भी टेस्ट करके दिखाता हूँ। इसकी एयर गाइस कम ही होगी क्योंकि गाइस जो एयर होती है एसी की वो कम होती है और कूलिंग जो है उसकी ज़्यादा होती है। यहाँ पे इसकी एयर जो है काफ़ी ज़्यादा ठंडी आनी स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे दोनों फ़ैन जो है अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो में अगर कोई आपको बनाने में इसको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा जो है ठंडी हवा हमें दे रहा है। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।